Let's start our last video of this chapter 3rd from history and the topic is the Blue Rebellion and after. In March 1859, thousands of Royet in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, Royet refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armed with sword and spears, bows and arrows. वुमेन टर्न अप टू द फाइट विद बॉड्स पैन एंड किचन इम्प्लीमेंट मीन्स एटीन फिफ्टी नाइन में हजारों की संख्या में जो रॉयट्स थे बंगाल के उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने खेतों में इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि जैसा हमें पता है कि इंडिगो किस ब्लू कलर का होता है इसीलिए एज द रिवेलियन स्प्रेंड रॉयट रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू दी प्लांटर और ये विरोध बढ़ता चला जा रहा था इसीलिए जो रॉयट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि वो प्लांटर्स को या पे किराया नहीं देंगे और अटैक्ट किस पे किया जो इंडिगो फैक्ट्री थी उन पर हमला बोल दिया हमले में वो चाहे तलवारें हों बाण हो सबसे उन्होंने हमला किया औरतें वो भी इसमें शामिल हुई औरतों के पास जो किचन इम्प्लीमेंट्स थे वो चाहे पैंस हों पॉट्स हों उनके साथ उन्होंने औरतों ने भी हमला किया Those who worked for the planters were socially boycotted and Gamasthas, Gomasthas agents of planters who came to collect rent were beaten up. Royds saw they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters and Latias. The Lati wielded strong men maintained to by the planters. Isilip, jo, roids the, कि मना कर दिया कि अब हम एडवांस भी नहीं लेंगे जो इंडिगो प्लांटर्स उन्हें एडवांस में दिया करते थे पैसा कि जिससे कि अपने खेतों में क्या कर सकें प्रोडक्शन करें इंडिगो का तो उन्होंने मना कर दिया कि अब हम वो सब नहीं करेंगे और चाहे और ना ही जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या किए थे कुछ लोगों को रखा था लाठियास बोलते थे जिनके पास लाठी से स्ट्रॉग मैन जो थे वो क्या करते थे प्लांटर्स के लिए रखे जाते थे फोर्सफुली काम कराने के लिए Then why did the indigo patient decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly, the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do slow they do so only at times. peasants the patients decide कि अब वो ज़्यादा नहीं करेंगे साइलेंट नहीं रहेंगे और जो उनके पास में दॉट गेव दैम पावर उनके अंदर ये शक्ति कहाँ से आई इन 1859 द इंडिगो रॉयट्स फेल दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल ज़मींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स 1859 में इंडिगो जो प्रोडक्शन करते थे रॉइड्स थे उन्हें क्या लगा कि उनके ज़मींदार और जो विलेज के हेडमैन हैं वो उनका इस रिबेल में इस विरोध में साथ देंगे इन मैनी विलेजस मोबिलाईज द इंडिगो पीसेंट्स एंड फाउट पिश्ड बैटर्स विद द लाठियास इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रॉयट टू रिस द प्लांटर्स दी जमींदार वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बींग फोर्स्ड बाई द प्लांटर्स टू गिव दम लैंड ऑन लॉन्ग लीज और ये क्यों था क्योंकि जो प्लांटर्स थे उनकी जो गलत नीतियाँ थी गल कहते हैं रॉन्ग पॉलिसीज थी उससे कोई भी हैप्पी नहीं था इवन ज़मींदार भी हैप्पी नहीं थे कई बार तो ज़मींदारों ने ही रॉयट्स को इंसिस्ट किया कि जाइए आप उन लाठियाज जो है उनके साथ में विरोध कीजिए द इंडिगो पीस एड्स ऑल्सो इमेजेंड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स आफ्टर द आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या इमेजिन किया कि दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन स्ट्रगल प्लांटर्स ए सॉरी क्या सोचते थे पीसेंट कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रिबेल में या इस विरोध में उनका साथ देगी किसके अगेंस्ट में प्लांटर्स के

दी लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द टूर 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 द रीजन इन दिन ऑफ एटीन फिफ्टी नाइन और जैसे ही फिर से उन्हें ये लगा कि अब कोई रिबेलियन फिर से विरोध होने वाला है जैसे ब्लू रिबेलियन के नाम से जो था उसी समय एक लेफ्टिनेंट जनरल था उसने क्या टूर किया सर्दियों में कब एटीन फिफ्टी नाइन में द रॉयड सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर द्लाइट और जो रॉयट्स उन्हें क्या लगा कि ये जो टूर है वो क्या है उनके लिए उनके सिंपैथी के लिए ये उनके फायदे के लिए होगा उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने किया है वेन इन बारह सात द मजिस्ट्रेट एसली एडन इश्यूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट द रॉयट्स वुड नॉट बी कम्पेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिकलेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन वेन इन बारा साल मीन्स द मजिस्टेड एसले एडन इश्यू उसने एक नोटिस जारी किया जिसमें क्या कहा कि रॉयड वुड नॉट बी कम्पेट क्यों उनको ज़बरदस्ती इंडिगो प्रोडक्शन के लिए फोर्स नहीं किया जाता और क्वीन विक्टोरिया ने क्या डिक्लेयर किया है कि आपको ज़रूरत नहीं है इंडिगो को उगाने की इंडिगो को प्रोडक्शन करने की इंडिगो को बोया जाए एडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीसेंट एंड कंट्रोल एक। द एक्सप्लोसिव सिचुएशन वो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर आया था इंडिया में वो क्या कोशिश कर रहा था कि जो कंडीशन है जो सिचुएशन है जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसीलिए उसने इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी इस तरह का नोटिस निकाला था बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर दी रिबेलियन लेकिन उसका ये जो एक्शन था वो क्या तरह से बाकी जो थे और प्लांटर्स उन्होंने क्या लिखा कि ये क्या कर रहा है ये रिबेलियन को सपोर्ट कर रहा है उसका जो एक्शन है वो विरोध को और बढ़ावा दे रहा है एज द रिबेलियन स्प्रेड intellectuals from Calcutta रस टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट और जैसे जैसे ये विरोध बढ़ता गया तो जो कलकत्ता से इंटेलेक्चुअल्स थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की तरफ भागने लगे क्यों क्योंकि उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू की दे रोड द माइजरी ऑफ द रॉयट्स द ट्रेनिंग ऑफ द प्लान्ट एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault, and set up the indigo commission to inquire into the system of indigo production. और इसी indigo जो rebellion हुआ था, इससे चिंतित होकर government ने क्या किया? Military protection देनी शुरू कर दी किसको? Planters को. और एक indigo commission भी तैयार कर दिया जो inquiry करेगा indigo जो production था वो किस तरह से system चलता था? उस पर इंक्वायरी के लिए कमीशन सेट कर दिया गया the commission held the द guilty एंड क्रिटिसाइज them फॉर the कोर्सिव methods द यूज विद द इंडिगो कल्टिवेटर्स और जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें क्या कहा उन्होंने प्लांटर्स को ही दोषी माना जो एक्चुअल में प्लांटर्स दोषी थे तो उन्हें दोषी माना और उनकी आलोचना की गई एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोर्सिव मैथड जो उन्होंने बुरे मैथड है कहते हैं बहुत ही अमानवीय तो व्यवहार किया था किसके साथ इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ में इट डिक्लेयर दैट द इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रोफिटेबल फॉर रॉयट्स और उस कमीशन ने यह भी डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो का प्रोटक्शन प्रोडक्शन है वो किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है क्यों क्योंकि उससे सबसे बड़ा एक रीज़न था कि जो खेत की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है जिसके कारण किसान क्या कर सकता है ना तो गेहूँ उसमें बो सकता है ना ही चावल बो सकता है

दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आ पीसेंट फ्राम बिहार परसवेटेड हिम विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ़ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देर और महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से पढ़कर वापस आए तो एक बिहार का ही एक पीसेंट किसान था उसने रिक्वेस्ट की कि आप कभी बिहार आइए मिस चंपारण आइए और यहाँ पर आके जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं उनकी दयनीय स्थिति को देखिए महात्मा गांधी विजिट इन 1917 हंड्रेड सेवनटीन मार्ग द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मोवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स और महात्मा गांधी जी नाइनटीन सेवनटीन में चंपारण गए जी कहा जाता है कि तभी से ही चंपारण मूवमेंट जो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में शुरू हुआ था ये वहाँ से उसकी शुरुआत थी सो विद दिस अवर चैप्टर वॉज फिनिश्ड एंड वी विल डू द एक्सरसाइजेस एंड कंप्लीट द नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर